बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास प्रेप 6 में आज लेक्चर नंबर 6 है हमारा। आज हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब आप यूनिट 1 जहां आपका कंप्लीट हुआ कॉपी में, उसके बाद यूनिट 2 का आप टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद जो कॉपी वर्क है वो शुरू करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में, क्योंकि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टोटली न्यू है आपके लिए, तो आज के लेक्चर में हमारा जो समझना है वो समझने का काम जो है ज़्यादा है, ठीक है। और जो होम टास्क होगा वो मैं आपको पेज नंबर से बुक में से कहाँ से करना है, और जो होम टास्क है वो ज़्यादातर बुक का ही है, तो पहले बुक में करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 में जो हमें कॉपी में काम करना होगा वो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये हमारे पास टोटली न्यू टर्म्स हैं, तो पहले तो हम इसके मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, सही। फैक्टर्स किसे कहते हैं? फैक्टर्स हमें डिवाइज़र मालूम है, हमें याद होगा जब हमने डिवाइड करना सीखा था तो वहाँ पर एक डिवाइज़र होता था, डिविडेंड होता था, रिमाइंडर और कोशेंट, ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते थे डिवाइड के हमारे। तो हम डिवाइज़र फैक्टर उस डिवाइज़र को कहते हैं जिसकी वजह से जो हमारा डिविडेंड है वो कंप्लीट किया हो जाए, डिवाइड हो जाए, और उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 आ जाए। इस बात का मतलब ये है कि आर डिवाइज़र विच डिवाइड्स डिविडेंड विद 0 रिमाइंडर इज कॉल्ड फैक्टर और परफेक्ट डिवाइज़र। उसको फैक्टर भी कहते हैं और परफेक्ट डिवाइज़र भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने यहाँ पर डिवाइज़र 4 रखा हुआ है, डिविडेंड 36 है, तो ये 4 का टेबल हम 9 तक रीड करेंगे, हमें 36 मिल जाएगा, ठीक है, हमें 36 मिल गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36। 4 जो है वो 36 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि 4 ने 36 को इस तरीके से डिवाइड किया कि रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास 7 डिवाइज़र है, 56 डिविडेंड है। अब हमें मालूम है 7 का टेबल 8 तक अगर हम रीड करें तो 8 7 7 8 56, तो हमने यहाँ पर माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ भी कह सकते हैं 7 इज अ फैक्टर ऑफ 56, क्योंकि 7 ने 56 को इस तरीके से डिवाइड किया कि यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अच्छा, इसी तरह हम 2 एग्जाम्पल्स और देखते हैं। यहाँ पर थर्ड में देखें, एक और मैंने एग्जाम्पल ली, यहाँ पर फैक्टर नहीं है, 3 हमने डिवाइज़र रखा है और 7 यहाँ पर डिविडेंड है। अब मैं 3 के टेबल में, मुझे मालूम है 7 मुझे नहीं मिलेगा, तो 3 का टेबल मैंने 2 तक रीड किया, 6 आया, रिमाइंडर हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। इसका मतलब रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 7, 3 7 का फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से 9 और 38, हमने यहाँ पर 9 डिवाइज़र है और 38 क्या है, डिविडेंड है, सही। अब 9 का टेबल हमने 4 तक रीड करा तो हमें क्या मिला, 36 मिल गया, माइनस किया 38 में से, 36 को हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है, 2 बचा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के मुताबिक रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब 9 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 38, 9 यहाँ पर 38 का फैक्टर नहीं है। अच्छा, इससे हमें एक बात क्या समझ में आई, वो ये समझ में आई, एवरी डिवाइज़र जितने भी, जैसे यहाँ 4 भी डिवाइज़र है, यहाँ 3 डिवाइज़र है, यहाँ 7 डिवाइज़र है, यहाँ 9 डिवाइज़र है, तमाम डिवाइज़र जितने भी डिवाइज़र होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि फैक्टर हों, सही है। जैसे हमने देखा यहाँ पर 3 डिवाइज़र है लेकिन 3 फैक्टर नहीं है 7 का, 9 यहाँ पर डिवाइज़र है लेकिन 9 38 का फैक्टर नहीं है। एवरी डिवाइज़र इज नॉट अ परफेक्टर, एवरी डिवाइज़र, हर डिवाइज़र फैक्टर नहीं होता, सही। कौन सा डिवाइज़र फैक्टर होगा, जहाँ से रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बट एवरी फैक्टर इज अ डिवाइज़र, जितने भी फैक्टर हैं वो क्या होंगे, डिवाइज़र होंगे, सही है। एवरी फैक्टर वो क्या होगा, लादनी सी बात है, डिवाइज़र होगा, और उसका रिमाइंडर क्या हो रहा होगा, 0 आ रहा होगा, सही। यहाँ पर मैंने आपको फैक्टर के डिफाइन कर दिया। अच्छा, अब हमें चेक करना होता है कि भाई कोई भी नंबर वो किसी भी बड़े नंबर का फैक्टर है या नहीं है।
उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, ये हमने याद होगा बुक वन में भी हमने डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस करे थे, वहाँ पर हमने 2, 10, 5 इनके रूल्स को डिस्कस किया था। आज हमारे पास 2 से लेकर 15 तक हम रूल्स को डिस्कस करेंगे। 2 का रूल हमें मालूम है, कोई भी नंबर 2 के टेबल से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा, सही, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कोई भी नंबर 2 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, तो उसका सिंपल सा रूल है कि उसके यूनिट प्लेस को चेक किया जाएगा। लास्ट डिजिट इज़, यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस होता है, वो अगर 0, 2, 4, 6 है, अगर इनमें से कोई भी नंबर लास्ट डिजिट पे आ जाएगा तो हम उसको कह सकते हैं कि वो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हमें 3 का रूल चेक करना है। 3 का रूल भी हमने वहाँ पर डिस्कस करा था बुक वन में, हमने कहा था सम ऑफ द डिजिट डिवाइड बाय 3, जो डिजिट्स हैं उनको प्लस करो, अगर वो डिजिट प्लस करने के बाद कोई ऐसा नंबर आ जाए जो कि 3 के टेबल से सॉल्व हो सकता है, इसका मतलब वो नंबर भी सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल मैं भी आपको यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6, 9, ठीक है, अब 69 मैंने यहाँ लिखा है, 69 3 के टेबल में मुझे मालूम नहीं है कि 69 3 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि हम तो टेबल्स जब लर्न करते हैं तो 3 टेंस आर 30, 3 टेंस आर 30 पे आके रुक जाते हैं, जबकि टेबल्स तो अनकाउंटेबल हैं, ठीक है, वो तो कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब 69 मुझे चेक करना है, रूल क्या कहता है, 6 प्लस 9 करो, 6 प्लस 9 करा कितना हो गया 15, 15 3 के टेबल में आता है ना, 15 को 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब 69 भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने लिखा यहाँ पर 92 का मतलब हो गया 9 प्लस 2 करूँगा, मेरे पास कितना आएगा 11, 11 3 के टेबल में आता है, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 92 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 के रूल को चेक करेंगे। इसी तरीके से हमें, हमने यहाँ पर 4 के टेबल का भी रूल यहाँ पर मेंशन हुआ है, किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, ठीक है, 4 के लिए क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 होने चाहिए, लास्ट 2 डिजिट, इसका मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने भी यहाँ पर लेता हूँ, मैंने लिखा 124, अब 124 में लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। देखिए हमने तो टेबल्स लर्न करे 4 टेंस आर 40, 4 टेंस आर 40 वहाँ पर हम स्टॉप हो गए, लेकिन वहाँ पर स्टॉप नहीं हुआ, टेबल्स तो कंटिन्यू चल रहे हैं। अब कोई भी बड़ा नंबर आ जाएगा और मुझे चेक करना है कि 4 के टेबल में 4 इसका फैक्टर है या नहीं है, आसान लफ्ज़ों में तो यही ना कि फैक्टर है या नहीं है, अगर डिवाइड हो रहा है इसका मतलब रिमाइंडर 0 हो रहा है, तो यहाँ पर 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट में क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, क्या 24 4 के टेबल में आता है, यस, इसका मतलब 124 भी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास लिखा 1032, अब यहाँ पर 32 है लास्ट 2 डिजिट में, तो 32 4 के टेबल में आता है, यस, इसका मतलब 1032 भी 4 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मैंने लिखा 1213, अब यहाँ पर लिखा हुआ 1213, क्या 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, इसका मतलब ये 4 के टेबल से सॉल्व नहीं होगा, 4 इसका फैक्टर नहीं है, आसान लफ्ज़ों में हम कहेंगे 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 का रूल तो बहुत आसान है, 5 के रूल में हम क्या देखते हैं, सिंपल ये चेक करना है आपको कि यूनिट प्लेस पर 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, यूनिट प्लेस पर 0 या 5 आएगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई ये 5 टेबल से सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। 6 का रूल क्या है, 6 का रूल बहुत सिंपल है, 6 के रूल को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 2 और 3 को चेक करोगे, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 6124, ठीक है, ये आपके पास 6124 लिखा हुआ है, सही, मुझे ये चेक करना है कि ये 6 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, यूनिट प्लेस पर 4 आ रहा है, इसका मतलब रूल नंबर 2 तो सही हो गया कि 2 के टेबल में तो ये आएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 3 देखना है, 3 का रूल क्या था, 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4, इन सबको करेंगे प्लस, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 करेंगे कितना आएगा, 13 आएगा, 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, इसका मतलब ये इसने इसको क्या कर दिया, इस रूल पे नहीं जा रहा। 6 अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ 6, 2 और 3 दोनों का रूल क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए, इस बात का मतलब यह है कि यहाँ पर 3 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, ये 6 के टेबल, ये नंबर, ये जो 6124 है ये 6 के टेबल में आपको नहीं मिलेगा। एक और नंबर देखते हैं, 6 2
और आपके पास ए सिक्स टू हो गया हमारे पास एट, और इसमें हम मिला लेते हैं फॉर एग्जांपल फोर, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पर ये फोर आ गया यूनिट प्लेस पे, ये फोर बता रहा है कि टू के टेबल से सॉल्व हो जाएगा, गुड। अब थ्री में चेक करना है, तो सिक्स प्लस टू प्लस फोर करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा एट और ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री के टेबल में आता है, इसका मतलब थ्री भी, थ्री वाला रूल भी अप्लाई हो गया। जब दोनों रूल्स अप्लाई हो गए टू और थ्री, इसका मतलब ये सिक्स के टेबल से सॉल्व हो जाएगा, सही। ये हो गया सिक्स हमारे पास। सेवन का रूल चेक करते हैं, सेवन का रूल थोड़ा समझना पड़ेगा। सेवन में कह रहे हैं डबल द लास्ट डिजिट, जो भी नंबर आपके पास है उसका जो लास्ट डिजिट है उसको क्या कर दो, डबल कर दो। डबल करने के बाद जो वैल्यू आ जाए उसको क्या कर दो, माइनस करवा दो। क्या करवा दो, माइनस करवा दो फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर्स, रिमेनिंग नंबर्स में से माइनस करो। अगर तो जीरो आ जाए या फिर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो सेवन से डिवाइड हो जाए, समझते हैं इसको अभी। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 84, ठीक है। हमने तो सेवन टेन आर पढ़ा था ना, सेवन टेन आर 70। अब मुझे चेक करना है 84 सेवन के टेबल में मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, सही। रूल कहता है डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट फोर है, मैंने इसको डबल कर दिया तो एट हो गया, ठीक है। फोर का डबल करेंगे तो एट हो जाएगा, सही। फिर कह रहे हैं माइनस कर दो फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर मतलब जो बाकी बचा है, बाकी कौन बचा, एट। अब एट में से एट माइनस करूंगा जीरो आएगा, एट माइनस एट करेंगे जीरो आएगा। इस बात का मतलब यह है कि ये नंबर सेवन से डिवाइड हो जाएगा और सेवन के टेबल में 84 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, मैंने लिखा 91 लिखा। अब 91 है यहाँ पर, वन का डबल करा कितना हो गया टू, और नाइन में से टू माइनस करेंगे सेवन, सेवन टू के सेवन, सेवन के टेबल में मिल जाएगा। इसका मतलब 91 भी सेवन के टेबल में मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सेवन का टेबल भी हमें समझ में आ गया। कोई भी नंबर चेक किया जा सकता है कि वो सेवन, सेवन उसका फैक्टर है या नहीं है। एट का आसान सा रूल है, जो रूल हमने रूल नंबर फोर में पढ़ा है वही रूल रूल नंबर एट में भी है। रूल नंबर फोर में कहा था लास्ट टू डिजिट, रूल नंबर एट में कह रहे हैं लास्ट थ्री डिजिट, लास्ट के थ्री डिजिट देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 8032, लास्ट थ्री डिजिट पे क्या लिखा हुआ है 032 मतलब 32 ही कंसीडर होगा, 32 एट के टेबल में आता है, यस। इसका मतलब 8032 भी एट के टेबल में आ जाएगा। एक और देखते हैं 8124, क्या 124 एट के टेबल में मेरे पास आएगा या नहीं आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ। 124 को मुझे इस तरीके से चेक करना पड़ेगा। बकायदा एट का टेबल वन तक पढ़ा हमने, एट आ गया माइनस किया कितना आया फोर, ऊपर से हमारे पास फोर आ जाएगा 44। अब 44 एट के टेबल से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 8 5 आप क्या करोगे 40 करोगे, माइनस करोगे, आपके पास क्या बच जाएगा 4। इस बात का मतलब यह है कि ये नंबर 8 के टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, सही। तो 8 के टेबल से सॉल्व होने के लिए लास्ट थ्री डिजिट का 8 के टेबल में आना ज़रूरी है, सही। रिमाइंडर यहाँ पर जीरो नहीं हुआ। अच्छा, अब जो 9 का रूल देखते हैं, 9 में कह रहे हैं सम ऑफ द डिजिट इज डिवाइडेड बाय 9। देखो जो रूल 3 का था, 3 में क्या कहा था, जो भी डिजिट्स आएंगे उनको प्लस कर लो, प्लस करके जो वैल्यू आएगी अगर वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से सॉल्व हो जाएगा। 9 का रूल भी सेम है, 9 में भी हमें यही काम करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दिया 712 और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया आपके पास 8, ठीक है। अब मैंने लिखना है 7128, 9 के टेबल में मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। रूल कहता है 7 + 1 + 2 + 8, ये करें 7 + 1 8, 8 + 2 10, 10 + 8 कितना होगा 18। क्या 18 9 के टेबल में आता है, यस। 9 2 = 18, जब 18 9 के टेबल में आता है इसका मतलब ये भी 9 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हर नंबर को हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रूल नंबर 10 का रूल तो बहुत सिंपल है, लास्ट डिजिट पे क्या मिल जाए आपको, जीरो मिल जाए तो हम कह देंगे कि भाई वो 10 के टेबल से सॉल्व हो जाएगा, 10 उसका फैक्टर होगा, यूँ कह सकते हैं। 12 का रूल क्या है हमारे पास, 12 के रूल में कह रहे हैं रूल ऑफ 3 और 4, अगर कोई भी नंबर 3 मैंने उस ऐसा नंबर उस पर 3 का रूल भी अप्लाई हो रहा है और 4 का, दोनों का अगर रूल अप्लाई होगा तो वो 12 से हो जाएगा, अदरवाइज वो 12 से सॉल्व नहीं होगा, सही। यानी अगर मुझे 12 में चेक करना है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है जो कि 3 से हो जाता है लेकिन 4 से सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो 12 से भी सॉल्व नहीं होगा, सही। 12 के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों रूल्स अप्लाई होने चाहिए। सेम
15 के लिए क्या है, रूल ऑफ 3 और 5, 3 और 5 का रूल अप्लाई होना चाहिए, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5, ये दोनों रूल्स साइमल्टेनियसली मतलब सेम एक साथ अप्लाई होंगे, ठीक है। अगर 3 का रूल अप्लाई हो रहा है और 5 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब 15 से सॉल्व नहीं होगा, या 5 का अप्लाई हो रहा है 3 का अप्लाई नहीं हो रहा तब भी 15 से सॉल्व नहीं होगा। ज़रूरी है हमें चेक करना पड़ेगा 3 का रूल लगा के भी और 5 का रूल भी, इन दोनों रूल्स को चेक करेंगे तब जाके वो 15 से क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक है। ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जो कि हमें मेमोराइज करने हैं, से याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ नंबर्स को हमने क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। क्लासिफाई करने का मतलब है डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया। जैसे हमने याद होगा आपको इवन और ऑड में ब्रेक करा था, सही। हमने कहा कुछ नंबर्स होते हैं वो इवन कहलाते हैं और कुछ नंबर्स ऑड कहलाते हैं, और हमने उसको पहचान भी लिया था कि कौन से इवन होते हैं और कौन से ऑड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से फैक्टर्स को बेस बना के कि कुछ नंबर्स के फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं, तो इस बात को हमने कहा कि प्राइम नंबर्स, हर वो नंबर, अ नंबर डेट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, या फिर आसान लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 के टेबल में मिल जाए और अपने टेबल में मिल जाए। जैसे 2 को अगर मैं आपसे पूछूं, 2 1 के टेबल में, तो 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो 1 1 ज़ार 1 1 2 ज़ार 2 1 3 ज़ार 3 1 4 ज़ार 4 1 5 ज़ार 5, यानी 1 का टेबल तो ऐसा है कि उसमें हर नंबर मिल जाता है ना, इसका मतलब 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एक बात हो गई। अब 2 जो नंबर है जिसका मैं फैक्टर मालूम करने जा रहा हूँ, वो नंबर भी अपने टेबल में मुझे मिलेगा, यानी 2 के टेबल में आपको 2 मिलेगा ना, तो इस बात का मतलब हो गया 2 के कितने फैक्टर बन रहे हैं, 2 फैक्टर बन रहे हैं। 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से 3 के भी 2 फैक्टर्स हैं, क्योंकि 3 या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर अपने टेबल में आएगा। 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स की आसान सी डेफिनेशन है, कोई आपसे पूछे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक बात इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं हर वो नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं, और वो 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, या फिर 1 होगा, क्योंकि या तो 1 के टेबल में आएगा या फिर वो अपने टेबल में आएगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर्स में हम कहते हैं अ नंबर डेट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। 2 से ज़्यादा फैक्टर होने का मतलब है कि या तो 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा, इसके अलावा भी किसी भी टेबल में आएगा। जैसे 4 1 के टेबल में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 4 4 के टेबल में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 2 के टेबल में भी तो मिलेगा, 2 2 ज़ार 4, तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। 1 1 के टेबल में मिलेगा, 2 2 के टेबल में मिलेगा, 4 4 के टेबल में, 3 फैक्टर हो गए, सही। तो इस बात का मतलब हो गया 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो इसका नाम क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। 6 6 हमें मालूम है 1 में 2 में 3 में और 6 में, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर। 8 9 10 12 14, तो ये सारे क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट और प्राइम नंबर्स की एक एक्टिविटी है आपके बुक में पेज नंबर 36 पर। बुक निकालें अपने पास, आप पेज नंबर 36 निकालिए। पेज नंबर 36 में आप देखेंगे आपके पास 1 से 100 तक नंबर्स दिए हुए हैं, आपसे कहा जा रहा है, बुक आपके सामने है, गुड। प्राइम नंबर पेज नंबर 36 निकालें अपने पास, वहाँ देखें फर्स्ट लिखा हुआ है कलर द स्क्वायर्स रेड इफ इट हैज़ प्राइम नंबर। अगर जो नीचे बॉक्स है वो प्राइम नंबर है तो उसको रेड कलर कर दें, और अगर वो कंपोजिट है तो उसको क्या कर दें, येलो कलर कर दें। देखें 1 जो सबसे पहला नंबर आपके सामने आ रहा है, हमेशा याद रखें 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 ना तो प्राइम की डेफिनेशन में आता है। प्राइम की डेफिनेशन कहती है ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हों, 1 का तो एक ही फैक्टर होता है, और कंपोजिट कहता है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यहाँ तो 1 तो एक ही फैक्टर है। तो 1 ना तो प्राइम की डेफिनेशन में आता है ना कंपोजिट की डेफिनेशन में आता है, तो याद रहे 1 में कोई भी कलर आप नहीं करेंगे, ठीक है। 1 बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, वाइट रहेगा, सही। इसके अलावा बाकी जो नंबर्स हैं उनमें आप रेड या येलो कलर कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आसान सी बात है, देखो भाई जितने इवन नंबर्स हैं, हर इवन नंबर आपको मालूम है 2 के टेबल में आता है,
सही है। तो हर इवन नंबर को तो क्या कर दोगे, येलो कर दोगे, क्योंकि कंपोजिट होगा वो। इसी तरीके से हर वो नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे जीरो और फाइव आ जाए तो वो क्या होगा, फाइव के टेबल में आ सकता है। इसका मतलब हर वो नंबर जिसमें यूनिट प्लेस पर जीरो नज़र आ रहा है या फाइव नज़र आ रहा है उसको भी आप क्या कर दोगे, येलो कलर कर दोगे, क्योंकि वो कंपोजिट होगा, दो से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे। फिर इसके बाद तमाम रूल्स अप्लाई करने के बाद आप देखोगे जो नंबर आपके पास रिमेनिंग बच जाएंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है, जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर जब आप प्राइम और कंपोजिट नंबर्स पे कलर कर देंगे तो लास्ट एक ऑप्शन दिया हुआ है, विच नंबर स्क्वायर रिमेन वाइट। मैंने आपको भी बताया वन, वन में आप कोई भी कलर नहीं करेंगे, और क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। विच नंबर स्क्वायर बिकम ऑरेंज, देखो ऑरेंज भी कोई भी नहीं होगा। इनका ऑरेंज कहने का मकसद है कि ऐसा कोई भी बॉक्स यहाँ पर नहीं है जो प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो, मतलब ऐसा नंबर जो प्राइम भी हो और कंपोजिट भी हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सही। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो, ऐसा कोई भी हमारे पास नंबर या जीरो, ठीक है, विच नंबर स्क्वायर बिकम ऑरेंज, हम यहाँ पर लिखेंगे नो, कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, सही। इसके अलावा पेज नंबर 37 पे आप आएंगे, पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर वन है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ये क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे, कॉपी का वर्क है, इसको हम बाद में जब मैं लेक्चर 7 करवाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा। गिव द मिसिंग फैक्टर्स, जैसे 24 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाय डैश, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करो तो 24 आता है, 12 टू जार तो यहाँ 2 लिख देंगे। इस तरीके से बाकी ये पूरा सॉल्व करेंगे, ये आपका होम टास्क है, पेज नंबर 37। पेज नंबर 36 करना है, इसमें कलरिंग होगी ऑरेंज और येलो और रेड प्राइम और कंपोजिट के हिसाब से। 37 पेज पर ये ब्लैंक्स हैं, ये आप फिल करेंगे। और क्वेश्चन 3 जो कि पेज नंबर 38 पर है, ये सॉल्व करेंगे ट्रू फॉल्स, ठीक है। पेज यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 5 इज अ फैक्टर ऑफ 16, क्या 5 16 का फैक्टर है, मतलब 16 5 के टेबल में 16 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा तो फॉल्स हो गया। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 24, 3 फैक्टर है 24 का, 24 3 के टेबल में 24 आता है, यस आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरीके से पेज नंबर 38 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, तो आप यहाँ पर पेज नंबर 36 से पेज नंबर 38 तक आप सॉल्व करेंगे, ये आपका होम टास्क है। पेज नंबर 36 प्राइम कंपोजिट में कलर्स करने हैं और पेज नंबर 38 तक आपने करना है, ठीक है। ये सारा बुक वर्क है आपका, नेक्स्ट लेक्चर में कॉपी वर्क आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।